कुछ हलचल हुई थी और उसी की जांच पड़ताल कर रहे हैं सोवित और राजेंद्र। कुछ शोर सुनाई दिया है, पता नहीं वो किसका शोर है। दूर से देखने पर यदि हम थोड़ा जूम करके देखें तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ दूर से एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है। और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उस पर अटैक मत कीजिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ यदि गुस्से में आ गई तो आपका क्या हाल होगा ये आप भली भांति जानते हैं। तो सोवित जी, सोवित, अब आप ऐसी लोकेशन पर सिचुएटेड हैं कि आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो क्या सोच रहे हैं आप, आगे चलेंगे कि वापस जाएंगे? दोस्तों अगर हम आए हैं तो आगे जाके ही रहेंगे आगे। और जैसा आप देख, मजा बहुत आ रहा है आगे जाने में, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नेचुरली हवा है और अच्छा व्यू है, पहाड़ है, जहाँ देखो वहाँ पहाड़, सामने देखो तो पहाड़, यहाँ देखो तो पहाड़, सब जगह पहाड़ी पहाड़, और ठंडा ठंडा मौसम इधर, मतलब कि गर्मी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरी मौज आ रही है, एकदम सर्दी जैसी। सामने देखिए पहाड़, कैमरामैन वहाँ कैमरा करिए। आ रहा है ना उत्तराखंड में मजा आपको? बिल्कुल, जैसे जंगल और आगे जाने के लिए, पर मुझे लग नहीं रहा आगे रास्ता है। एक फिर भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना हमारा काम है, हमें पहाड़ी बॉय। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जंगलों से बड़ी डरावनी आवाजें आ रही हैं, जंगली जानवरों या पता नहीं वो किसकी है, मेरे नॉलेज में नहीं है, ये आवाजें कहीं आपके मतलब मन में थोड़ा डर पैदा कर रही हैं कि नहीं? ये जो आवाजें हैं, डर नहीं, बहुत ज्यादा डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि थोड़े घबराए हुए हम भी हैं और थोड़े घबराए हुआ ये जंगल भी है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कौन जानवर कैसा है, वो हमें भी नहीं पता, और ना इस जंगल को पता है कि कौन सा जानवर कहाँ से अटैक कर सकता है हम पे। फिर भी हम ये लठ लेके चले हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए चलते हैं। महात्मा गांधी चले हैं नमक यात्रा पर। कैसा लग रहा है विकेश बाबू इधर आके? जबरदस्त मस्त वाली फीलिंग आ रही है इस फॉरेस्ट के अंदर, दूर दूर तक कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। यस, आई एम इन द फॉरेस्ट। ये देखिए, ये हमारा फ्रेंड इधर चिल्लाते हुए, इसको ये ज्यादा एक्साइटेड है इधर आके, और मेरी थोड़ी सी लुप लुप कर रही है। ये देखो दो हमारे चीते, ये देखो दोस्तों हम इधर आए हुए हैं, हमारा टारगेट है वो चोटी के पास जाना, वो जो दिख रही है आपको चोटी, उस पे जाना है, और हम इतने नीचे से यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से आए थे, अब हम ये रास्ता अपना रहे हैं जाने के लिए ऊपर, देखते हैं कैसा रहेगा। चिकना पहाड़ है, बिल्कुल सटा हुआ, ऐसा लगता है जैसे जीएसपी ने इसको कंस्ट्रक्शन किया हो। ओ माय गॉड, देखिए जरा ये कैसा पहाड़ है, छोटा सा पत्थर। सोवित जी, सर आप दशरथ मान जी नहीं हैं, राजेंद्र जी हैं। दोस्तों पीछे रास्ता बंद हो गया था और अब हमने रास्ता चेंज कर लिया है, और ये बहुत वीरान एरिया में हम चल रहे हैं, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की जद्दोजहद हमारे दोनों ही मित्रों में भरपूर है, और इसी का मुजहरा वो कुछ करते हुए, और राजेंद्र जी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, और सोवित जी उनके पीछे पीछे, और लास्ट में हैं हम आपके साथ इस कैमरे के माध्यम से, इस फिल्मांकन के माध्यम से इन पहाड़ी दर्रों का खूबसूरत व्यू आपको दिखा रहे हैं। आज सोवित जी ने हम पर ये जिम्मेदारी सौंपी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाकर दिखाएं उन्हें। देखिए सोवित जी को थोड़ी सी तकलीफ होती हुई इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, कोई एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और राजेंद्र जी उनका भरपूर सहयोग करते हुए, यही होती है एक अच्छी सी टीम स्पिरिट की निशानी।
इस वीराने में इंसान का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, केवल जंगल और पत्थर और लकड़ियों के ढेर पड़े हुए दिख रहे हैं। शोभित जी कह रहे हैं कि यहाँ आसपास कहीं किस घर गांव हैं, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्हीं को ढूंढने के लिए कोई इंसानी बस्ती हमें मिल जाए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि गला भी अब सूखने लग गया है हमारा। देखते हैं, इंसानी बस्ती नहीं मिल रही है सर, क्या अनुमान है आपका, कहाँ तक मिलेगी, कितना ट्रैक अभी और करना पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है और आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा आसपास कोई गांव है या फिर घर है, बस जानवरों की आवाज आ रही है। सर वीडियो लंबा बन रहा है, कैसे मैनेज करेंगे आप? मैनेज क्या करें, चलते हैं और आगे ट्रैक करते हैं, क्या लगता है क्या नहीं। आगे हमने एक बड़ा अजीब सा पहाड़ सा देखा है, वो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है और जानवर की तरह दिख रहा है, अब उसके पास जाके देखेंगे वो जानवर है या फिर पहाड़। क्योंकि जल्दी जाइए, फिर अंधेरा भी होने वाला है और अंधेरे के पहले आपको पुनः विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों इस बीहड़ में दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लगभग अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं और अभी तक हम उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, अपने पीक पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लगातार पिछले लगभग 1 घंटे से ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने पीक पर नहीं पहुंचे हैं। हम जाएंगे अपने पीक पर, वहां पर डंका बजाएंगे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। राजेंद्र जी, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी लगातार इस ट्रैकिंग में बने हुए हैं और अपने खतरा इधर बहुत खतरा है, बिल्कुल संभल कर रहिए। चलो, आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है, कुवारे तो ये भी हैं, शोभित जी बेखौफ चल रहे हैं और पहाड़ की दुर्गम घाटियों में हम चल रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, बिल्कुल बहुत ही खास ये ब्लॉग है आप लोगों के लिए। दुर्गम नज़ारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, लगातार पिछले 1 घंटे से हम विजिट कर रहे हैं और बिल्कुल अब आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है, तो आगे जाने का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अपने पीक पर हम पहुंच चुके हैं और इस पीक पर जाकर कुछ फोटोज और आपके लिए वीडियोस देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। हम पहुंचने वाले हैं अपने पीक पर, थोड़ा सा और ट्रैक बाकी रह गया है, हमारे मित्रों के पैर भी अब जवाब देने लग गए हैं, बहुत थकान है यहाँ पर और रास्ता तो है ही नहीं भाई, रास्ता तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ है और उसी पर हमारे मित्र नंगे पैरों से चल रहे हैं क्योंकि चप्पलों में उनको दिक्कत हो रही थी और एक मित्र का चप्पल तो ह्यूल नदी में बह गया था, तो अब वो बिना चप्पलों के ही ट्रैक कर रहे हैं चिकने पत्थरों पर। धूप से पत्थर एकदम पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं और उन पत्थरों पर पांव रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों राजेंद्र जी लगातार फ्रंट से हमको लीड कर रहे हैं, समय समय पर अपना दिशा निर्देश वो हमें निर्देशित करते रहते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा कौन सा नहीं होगा। उनके सहयोग के लिए भी उनका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों देखिए, डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब हैं, आपको डेस्टिनेशन का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, इस डेस्टिनेशन पर हम सुबह से पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और अब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अति शीघ्र हम उस डेस्टिनेशन के पास में होंगे, तो बने रहिए। उस पहाड़ पे चढ़ने की पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी जितने भी ये पत्थर आए होंगे, आपका कुछ अनुमान है कि कहां से इतने सारे पत्थर यहां पर एकत्रित हुए होंगे, पहाड़ों को चीर कर काट कर यहां पर बहकर आए होंगे? यहां का देखकर बोलिए। बारिश होती है ना, पहाड़ों को चीर कर पत्थर आए हैं, कटे हैं पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ टूटे हुए हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं टूटे हुए हैं, तो उनका बिखराव हो रहा है।
देखो, ले सकते हैं आप। बिल्कुल ले, देखिए कितने सुंदर पत्थर हैं। और अब इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे बहुत जल्दी, बने रहिए। नहीं सोवित जी इस जगह को पूरी तरह अच्छी तरह से जज नहीं कर पाए। उनका अनुमान था कि यहाँ माता का मंदिर है और इस इंसानी बस्ती है, लेकिन दोनों में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। सोवित जी आपका ये अनुमान बिल्कुल यहाँ पर गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सोबित जी कह रहे हैं कि हमने मतलब कोशिश की थी कि हम ऊपर जाएंगे तो हमें इंसानी बस्ती मिलेगी और माता का मंदिर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपनी इस अनुमान को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं होगी कि मेरा आइडिया यहाँ पर सफल नहीं हुआ है, अपना खेद प्रकट कर रहे हैं। और राजेंद्र जी को कुछ बढ़िया व्यू दिखा है, वो हमें आवाज़ लगा रहे हैं कि इधर आइए और यहाँ की ब्यूटी को ज़रा देखिए। चलो एक्साइटेड है हम भी, देखते हैं, चलते हैं उनके पास कि क्या है उनके पास, वहाँ पर कौन सा नज़ारा वो हमें दिखाना चाहेंगे। राजेंद्र जी क्या है वहाँ पे? राजेंद्र जी को कुछ इंसानों की निशानियाँ यहाँ पर मिली हैं, तो देखते हैं क्या है। और जी हाँ, पानी मिल चुका है यहाँ पे, और पानी मिला है तो लगभग यहाँ पर इंसान भी जरूर होंगे। फिलहाल तो हमारे राजेंद्र जी यहाँ पर इंसान ही हैं, और बड़ी राहत मिलती है हमारी दोस्तों को, मित्रों को। यहाँ पर अब वो जलपान करेंगे। सोबित जी को काफी अच्छा लग रहा होगा इस पानी को देखकर, जान में जान आई होगी, पहाड़ से बहता हुआ बिल्कुल प्योर पानी है। तो आज के ब्लॉग को हम यही अंत करते हैं, क्योंकि अब सामर्थ्य नहीं है और कुछ ब्लॉगिंग करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा ब्लॉग, और आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा हमारे इस ब्लॉग में। हमारा सहयोग कर रहे थे राजेंद्र जी, सोवित जी और विकेश जी। बहुत ही अच्छे नज़ारे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ आपने भी इन्जॉय किया होगा। फ्रेंड्स अब हम अपने पीक पर पहुँच चुके हैं, और आज के हमारे इस ब्लॉग को होस्ट कर रहे सोबित जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। सर बताइए कैसा लग रहा आपको यहाँ पर आकर? दोस्तों हम पहुँच और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इस ब्लॉगिंग में? एक्सपीरियंस बताए तो हम एक से डेढ़ या दो घंटे से चल ही रहे थे और चल ही रहे हैं। अभी थोड़ा आके थोड़ा रेस्ट सा कर रहे हैं, और आगे देखा तो और काफ़ी लंबा रास्ता है। ऐसा लग रहा है हम और आगे जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है रास्ता, क्योंकि जंगली जानवरों का डर, शेर भालू चीते लेपर्ड ये तो आम बातें, यहाँ पे रहेंगे। साथ में भी हमने एक छोटा सा प्यारा सा हिरन का बच्चा देखा था, वो वहाँ पे था ऊपर पहाड़ी की चोटी पे, तो हमें अनुमान हो चुका है कि यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं। तो हमारा फ़ायदा इसी में है कि हम वापस रिटर्न हो जाएं। अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस रिटर्न होना बहुत बढ़िया है। अगर हम गलती कर बैठे, अगर आगे और चले गए, तो शायद ही हम ये वीडियो आप तक पहुंचा पाए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आगे ना जाके अपना रिटर्न वाला रास्ता अपनाते हैं और अपने आगे के लिए चलते हैं। तो बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट टू में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, पहाड़ की दुर्गम घाटी पर हम मौजूद हैं, अपने पीक पर पहुँच चुके हैं। लगातार पिछले दो घंटे से हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं ह्यूल नदी के, लगभग कम से कम यहाँ 5-6 किलोमीटर हम ऊपर पहाड़ी तक आ चुके हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की जंगल से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल अब सेफ जोन नहीं है, हम आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकते, और अब यहीं से हम वापस लौटेंगे क्योंकि रात होने वाली है। लगभग 4:30 का समय हो चुका है, और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर लेवट तेंदुआ जैसे हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस ब्लॉग को, और बिल्कुल
चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि जैसे आप शेयर करेंगे तो हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे और आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें एक नया ब्लॉग बनाने का, एक नई वीडियो को पब्लिश करने का यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बिल्कुल अपना प्यार और प्रेम बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।